लेट्स स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। आप लोगों तक कुछ बेहतर पहुंचा सकूं, ये एक लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम है, ये ब्रेन जिम। अगर हेल्थ की बात करें, ये हेल्दी लाइफ उसको कहलाती है जो अपने बॉडी लेवल पे काम करता है, माइंड लेवल पे और स्पिरिट लेवल पे, यानी शारीरिक रूप से ठीक ठाक हो, माइंड मेंटल रूप से ठीक ठाक हो और स्पिरिचुअल रूप से ठीक ठाक हो, तो वही व्यक्ति एक हेल्दी लाइफ जीता है। बॉडी लेवल है, दैट इज द मोटिवेशन। जितने भी हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स आते हैं वो काफी उछल कूद मचाते हैं, तो ये बॉडी लेवल फिजिकल लेवल पे काम होता है, वहां पर हमारे एक्शंस बहुत मायने रखते हैं और बॉडी लेवल पे काम होना भी चाहिए। हम लोग जो प्लान शो करते हैं उनके बारे में बात करेंगे, ये सारा बॉडी लेवल पे काम होता है और बॉडी लेवल आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। बात करते हैं कि माइंड लेवल पे काम करने की, जो कि इंस्पिरेशन से होता है, ये मोटिवेशन से नहीं, ये इंस्पिरेशन से काम चलता है। और तीसरा है स्पिरिचुअल लेवल, जो स्पिरिट लेवल है। स्पिरिट लेवल पे आज हम बात नहीं करेंगे, ना ही बॉडी लेवल पे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे तो जो हमने बीच में टिक मार रखा है, दैट इज द माइंड लेवल। ये ऑनलाइन लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम क्या है, हमने इसको अभी ऑनलाइन रखा है। एक्चुअल में ये प्रोग्राम जितना अगर पूरा दिया जाए तो ये हमारा ऑफलाइन प्रोग्राम ही है, क्योंकि ऑनलाइन वो सारी चीजें हम नहीं दे पाएंगे आपको जो साथ में बैठ के दी जाएंगी। बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज हैं, बहुत सी ऐसी गेम्स हैं जिनके द्वारा हम लोग प्रैक्टिकली बहुत सी चीजें समझाते हैं। तो अंडरस्टैंड द बिजनेस एट द बॉडी लेवल एंड माइंड लेवल वर्किंग, यू आर वर्किंग ऑन द बॉडी लेवल। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बॉडी लेवल पे काम कर रहे हैं, जैसा कि हमने बताया आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा और इससे रिजल्ट क्या मिलता है, हम लोग जल्दी थक जाते हैं और जितना जल्दी थक जाएंगे उतनी जल्दी क्विट कर देते लोग हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि यार बहुत कर लिया, एक साल से दौड़ रहे हैं। ये जो बॉडी लेवल होता है इस पे काम करने में लोगों को बहुत दिक्कतें आती हैं। अभी तक बॉडी लेवल पर ही काम करते थे क्योंकि टेक्नोलॉजी ज्यादा नहीं थी और बिना टेक्नोलॉजी के हम लोग बॉडी लेवल पर ही काम कर सकते, तो समय के साथ बदलना पड़ेगा और समय के साथ अगर नहीं बदलते हैं तो मार्केट उसको निकाल के बाहर कर देती है। तो इसलिए हमें समय के साथ ही अपने अंदर बदलाव लाने पड़ेंगे, हार्ड वर्क छोड़ करके स्मार्ट वर्क पे आना पड़ेगा। व्हाट इज द स्मार्ट वर्क? स्मार्ट वर्क की बात करें तो जैसे कि एक कौवा और कंकड़ वाली जो कहानी हम लोगों ने पढ़ी है, तो आप देखेंगे सबसे पहला वाला जो हमने फोटो लगाया हुआ है, दैट इज द एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल ऑफ द स्मार्ट वर्क। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो कौवा था और उसने अगर उसमें कंकड़ डाल डाल के करता रहा, अगर उसको स्ट्रोक लगा के खींच लेता तो आराम से वो पानी पी सकता था। ऐसे ही इसके लिए स्मार्ट वर्क के लिए लोग प्लानिंग करते हैं। स्मार्ट वर्क में आप देख रहे हैं कि जो स्क्वायर टाइप के जो बॉक्सेस हैं उनको को आगे धकेल पाना बहुत मुश्किल होता है, जबकि उसको राउंड कर लिया जाए अगर उसी चीज को, तो बड़े आराम से हम हार्ड वर्क की जगह पे स्मार्ट वर्क में चले जाते हैं। यानी कि थिंक करना पड़ेगा आपको स्मार्ट वर्क करने के लिए। और बताऊं आपको, इसमें दोनों ही चीजें बहुत जरूरी हैं कि बॉडी लेवल और माइंड लेवल दोनों पर ही काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि केवल आप बॉडी लेवल पर ही काम करें या केवल माइंड लेवल पर ही काम करें, दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। अगर बिजनेस बैलेंस चाहिए तो हमें बाहर भी निकलना पड़ेगा और जो स्मार्ट वर्किंग है उसको भी करना पड़ेगा। फेल टू प्लान, अगर आप कोई प्लान करने के लिए फेल हो जाते हैं, इट मींस इज इक्वल टू द प्लानिंग टू फेल। इसका मतलब है अपनी वो प्लानिंग कर रहे हैं कि फेल होने के लिए। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि खोपड़ी खोल करके अंदर प्रोग्रामिंग की जा रही है, तो ऐसे ही खोपड़ी खोल के हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे एक दूसरे की। तो माइंड जो है वो दो हिस्सों में बटा होता है, जैसा कि हम सबको पता है। जैसे एक समंदर के अंदर एक बर्फ चट्टान हो तो उसका केवल 10% जो हिस्सा होता है वो ऊपर निकला होता है, और लगभग कहा जाता है कि 90% उस बर्फ की चट्टान का हिस्सा पानी के अंदर होता है। जो ऊपर वाला हिस्सा है, दैट इज द ओनली 10%, और दिस इज कॉल्ड द कॉन्शियस माइंड। हमारे माइंड के अंदर दो टाइप के दिमाग हैं, एक है कॉन्शियस माइंड और एक है सब कॉन्शियस माइंड। यानी हमारा जो प्रेजेंट लाइफ है आप इसको कॉन्शियस माइंड मान सकते हो, और जो हमारा पास्ट है यानी कि जितने भी पास्ट लाइफ हम लोग जितनी भी जी के आए हैं, जो कि सब कॉन्शियस माइंड के अंदर रखा हुआ है, और कॉन्शियस माइंड में अंदर हमारा प्रेजेंट डाटा है। अगर हम बात करें कि 10% ही होता है ये लगभग, और 90% स्टोरेज हमारा अंदर है। जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, दैट इज द ओनर, ये मालिक होता है, और जो 90% जो हमारा होता है, जो सब कॉन्शियस माइंड है, बिना अकल वाला शक्तिशाली नौकर। एक ऐसा नौकर तुम्हारे पास हो जिसके पास पावर बहुत ज्यादा हो बट उसके पास अकल नहीं है। ये हमारा सब कॉन्शियस माइंड जो होता है, इसके पास अकल नहीं होती है, ये नहीं लॉजिक दे पाता। लॉजिक्स जितने लगते हैं वो हमारे कॉन्शियस माइंड से लगते हैं, और जो लॉजिक नहीं लगते हैं, यानी बिलीफ सिस्टम हो गया, इमोशन हो गया, हैबिट्स हो गई, वैल्यू हो गई,
तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर होती हैं। ऐसे ही हम लोग जितनी कल्पना शक्ति करते हैं वो सारी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर होती हैं। यानी कि सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल होता है, अगर आपने उसको बता दिया ना तो वो काम बहुत आसानी से कर देता है। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, जो बहुत से लोगों को ट्रेन पकड़नी होती है तो वो रात को अलार्म लगाते हैं और बता के सो जाते हैं अपने आप को कि सुबह 5 बजे उठना है। तो वैसे तो भले ही वो 8 बजे उठते हो, लेकिन सुबह 5 बजे का मतलब 5 बजने में 5 मिनट पहले ही आपका नौकर आपको जगा देगा। तो ये सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के ऊपर हम लोग काम करेंगे, और कॉन्शियस माइंड के ऊपर हम लोग अभी काम कर रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर अगर ये चीज पहुंच जाती है कि हमें जो काम करना है वो हम काम कर ही सकते हैं, तो ये काम जितने भी हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग कहें या बिजनेस लाइफ कहें या पर्सनल लाइफ कहें, ये सारे काम बहुत आसान हो जाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है, ये एक्चुअली एनएलपी बेस्ड हमारा प्रोग्राम है। जो एनएलपी के बारे में हमने एक बार पहले बताया था, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जो कि माइंड की प्रोग्रामिंग की जाती है। और एक आपको एक छोटा सा वीडियो प्ले करते हैं, लगभग 10 मिनट का वीडियो होगा। इस वीडियो को सभी लोगों को बहुत ही सीरियसली देखना है। लेट्स स्टार्ट विद द गॉड्स गेम। अब गॉड है या नहीं है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन मान के चलते हैं कि गॉड है और एक तरह की एक वाइट लाइट है। राइट साइड पे वो आपको एक फिगर दिखाई देगी, लेफ्ट साइड पे आपको एक बहुत बड़ा गोला दिखाई देगा जिसमें बहुत सारी डॉट्स हैं। हमने सोल्स को एक डॉट के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। बहुत सारी इन्फिनिट नंबर ऑफ सोल्स एक साथ इकट्ठी हो गई हैं और उन्होंने अपना एक पूल बना लिया है। अब ये गेम को खेलने से पहले दोनों के बीच में एक इंट्रैक्शन होगी। वो इंट्रैक्शन क्या है वो देखिए। सबसे पहले सोल्स गॉड को ये बोलती हैं कि हमें आपको ज्वाइन करना है क्योंकि आपका एरिया हमें ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है, हमें यहाँ पे उतना कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा है अपने पूल में जितना के आपके एरिया में कंफर्टेबल दिखाई दे रहा है। तो गॉड कहते हैं श्योर, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए कुछ लेसन सीखने पड़ेंगे। अब ये कोई नहीं जानता कि वो लेसन किस तरीके के हैं। फॉर आर कन्वीनियंस हम ये मान के चलते हैं कि वो लेसन इंग्लिश के अल्फाबेट की तरह 26 तरह के लेसन हैं, रेंजिंग फ्रॉम ए टू जेड। अब सोल ये कहती है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है सीखने में, क्या आप हमें सिखा सकते हो? गॉड कहते हैं नहीं, ये मैं आपको बोल के नहीं सिखा सकता, ये आपको करके ही सीखने पड़ेंगे। करके सीखना पड़ेगा, ये थोड़ा ट्रिकी फील होता है। अब ठीक है, तो बताइए फिर इसको कैसे कर सकते हैं? उसको करने के लिए मैं आपको एक गेम बना के दूंगा अर्थ, जिसमें आपको जाके बर्थ लेना है और एक फिजिकल बॉडी के अंदर ट्रैवल करना है और वो एक्टिविटीज करनी है जो आपने खुद अपने लिए डिजाइन की है, जो आपको लगता है कि ये मेरे सीखने के लिए सबसे बढ़िया होंगी विदिन एन एक्सपोज्ड लिमिटेशंस। तो सोल ये कहती हैं कि जहां तक हमें समझ में आ रहा है आप ये कहना चाहते हो कि हमें एक फिजिकल फॉर्म लेकर धरती पे जाना पड़ेगा और उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करना पड़ेगा जो हमने अपने लिए डिजाइन की हैं और फील टच एंड पेन का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। गॉड कहते हैं हाँ बिल्कुल यही करना पड़ेगा, और साथ में आपको एक पूरी फ्रीडम दी जा रही है कि आप पूरी जो लिस्ट दी गई है उसमें से क्या सीखना चाहते हो, कब सीखना चाहते हो और कैसे सीखना चाहते हो। सोल्स कहती है ये काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है लेकिन टीडियस भी होगा। तो अब आप ये बताइए कि हमें किस तरह की लिमिटेशन से निकलना होगा। गॉड ये कहते हैं कि आपके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है, आप बिल्कुल फ्री हो कुछ भी करने के लिए, आप जो चाहो वो कर सकते हो। लिमिटेशन जो दी जा रही हैं वो गेम अर्थ पे हैं या उस बॉडी पे हैं जो आप कैरी करोगे। अर्थ पे लिमिटेशन किस तरीके की हैं? अर्थ पे लिमिटेशंस हैं कि उनकी जो बाउंड्रीज हैं, जो अर्थ का जो साइज है वो फिक्स है, वो आप छोटा बड़ा नहीं कर सकते। क्लाइमेट्स आएंगे और जाएंगे, सर्दी गर्मी बारिश ये सब अपने हिसाब से चलता रहेगा। डे और नाइट आएगा और जाएगा, सूरज आएगा सूरज जाएगा। बॉडी पे लिमिटेशंस किस तरीके की हैं कि जो भी आप बॉडी के थ्रू काम करोगे, बॉडी काम करने के बाद थक जाएगी, ज्यादा काम करोगे तो ज्यादा थकान होगी, इसलिए आपको बॉडी को नर्चर करना पड़ेगा, उसको नरिश करना पड़ेगा, प्रॉपर खाना पड़ेगा, प्रॉपर रेस्ट करना पड़ेगा। बॉडी की अपनी एक लिमिटेशंस होंगी। अगर हम मान के चलें ये सिनेरियो कुछ आपके जो एक सीजन चल रहा है आजकल, बिग बॉस टाइप का सिनेरियो होगा,
बिग बॉस क्या करता है, एक आदमी को एक घर में डाल देता है जहां पे उसको पूरी फैसिलिटीज मिलती हैं उसके खाने पीने के लिए, उसके रहने के लिए, पर उसके ऊपर कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। वो लिमिटेशंस क्या हैं? वो लिमिटेशन इस तरीके की हैं कि पहले तो आदमी घर से बाहर नहीं जा सकता, सेकेंडली उसके साथ घर में कौन रहेगा वो ये डिसाइड नहीं कर सकता है। अब ये उसकी मर्जी है कि वो उस घर में रहे और ढंग से उस घर का इस्तेमाल करे और लोगों के साथ मिल बांट के रहे, या वो उस घर में रहे और उसको गंदा करे और साथ में लड़ाई झगड़ा करे। ये उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह उस घर में जीना चाहता है। ओके, वी गेट इट। तो वी आर फ्री टू यूज अर्थ रिसोर्सेस, लेकिन हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। कोई और लिमिटेशन है? यस, आप फ्री हो ये डिसाइड करने के लिए कि आपको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, लेकिन आपने अगर एक बार डिसाइड कर लिया कि आपको क्या करना है तो उसके बाद जैसे ही आप बर्थ लोगे आपको अपना सारा प्लान भूलना पड़ेगा। धरती पे जाने के बाद आपके साथ वही होगा जो आपने प्लान किया होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि क्या आने वाला है। बेसिकली आपको अपने ही प्लान को अनजान बन के एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। और दूसरी चीज, आप एक बार जो आपने प्लानिंग कर ली है वो धरती पे जाके प्लानिंग दोबारा चेंज नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने ही डिजाइन किए हुए सरप्राइजेस को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा और उसमें जीना पड़ेगा। दैट्स इंटरेस्टिंग, लेट्स स्टार्ट द गेम देन। अब गॉड ने अर्थ बना दिया, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, लिमिटेशंस लगा दी, और एक तरफ सोल्स को सारे रूल्स बता के छोड़ दिया। अब मान लीजिए इन इस पूल में से एक सोल ने एक फिजिकल फॉर्म लिया बॉडी के रूप में और धरती पे पैदा हो गई। अब ये सोल जो भी इसने एक्टिविटीज प्लान की थी अपने लिए वो सारी ये पूरी करती है। पूरी करने के बाद ये अपनी बॉडी छोड़ देती है, छोड़ने के बाद दोबारा पूल में आ जाती है। अब यहां पे ये इवैल्यूएट करती है कि कितना उसने इस पूरी एक्टिविटी से सीखा और क्या इसका जो मकसद था वो पूरा हुआ या नहीं हुआ। अगर वो पूरा नहीं होता है तो उसको दोबारा प्लानिंग करके उसको सीखना पड़ता है और अपना फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करना पड़ता है। अब ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा, सोल जो है बार बार धरती पे आती रहेगी और जाती रहेगी जब तक के वो सारे के सारे लेसन्स नहीं सीख लेती, जो कि रेंज करते हैं लेट्स से फ्रॉम ए टू जेड। ओके, नाइस। अभी वीडियो के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। अब हम आपको मिलवाते हैं दुनिया के बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर हैं मिस्टर टोनी रॉबिन। इन्होंने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदली हैं। इनका खुद का कहना है कि इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, अपने ऊपर आपको खर्चा करना पड़ेगा। हमें क्यों बनना है माइंडसेट का मास्टर, हमें क्यों बनना है, यहाँ तक कि ये सफर क्यों तय करना है, जो अभी हम लोगों ने एक वीडियो देखा इसके अंदर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। इसके आगे की द आस्क द क्वेश्चन क्वालिटी क्वेश्चंस पूछने हैं। हम अभी इस वाले सेशन को यहीं पे ब्रेक करेंगे, अभी ये सेशन बहुत लंबा है। अभी हम लोग क्वेश्चंस आंसर पे आएंगे और टोनी रॉबिन क्यों बोलते हैं खर्चा करने को,